हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या आप सही रास्ते पर हैं, आर यू ऑन द राइट पाथ। यानी अपने जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, क्या आप राइट डायरेक्शन में हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और हम भगवान कृष्ण का संदेश लेंगे इसमें आपके लिए, कि भगवान कृष्ण आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी इस जर्नी के लिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी और सभी जोडियक साइंस के लिए है ये रीडिंग, और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कभी भी क्यों ना पहुंचे हों। ओके, और ये रीडिंग जनरल है का मतलब है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि कलेक्टिव है, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करें या ना करें। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है, ना ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। आइए चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण का क्या संदेश है आपके लिए, कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ओके, काफी शफल कर लिया। ओ वाओ, पहला ही कार्ड सिक्स ऑफ कप्स का आया है, वेरी ब्यूटिफुल, एंड टेन ऑफ कप्स, अमेजिंग। ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, this card wants to come out, four of pentacles, okay, yes, so are you on the right path, yes, of course, it looks like कि आप किसी गलत direction में तो नहीं दिख रहे हैं, yes viewers, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप जिस direction में हैं या जिस रास्ते को आपने पकड़ लिया है या जिस तरफ आप जा रहे हैं, वहां सिर्फ आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है। आपने जो अपने लिए चूज किया है, आपने अपने लिए जो डिसाइड किया है, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल साबित होने वाला है, इतना प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है, कि आपने जो भी करने का तय किया है उसमें आपको जीत मिलने वाली है। अब वो कोई सिचुएशन क्यों ना हो जिसमें आप स्टक थे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो बहुत दिन से सॉल्व नहीं हो रही थी, तो आप जिस भी तरह से उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, या जिस भी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अगर कोई इम्तिहान था, कोई आपको टेस्ट किया जा रहा था, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा था, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीत आपकी होने वाली है इस सिचुएशन में, ऐसा नजर आ रहा है। तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण आपको यही गाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप फैमिली से बहुत हैप्पीनेस रिसीव करने वाले हैं, लाइक फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, फैमिली से आपको आपके अगर कोई फैमिली इश्यूज थे या फैमिली प्रॉब्लम्स थी, फैमिली कोई लीगल इश्यूज थे या कोई हेल्थ इश्यूज थे, वो सब हील हो जाएंगे, और ऐसा लगता है कि आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपके फैमिली के साथ टर्म्स कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी मतभेद या मनभेद कुछ भी हो गया था, तो वो सब अब रिजॉल्व हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि आपका जो बॉन्ड है आपकी फैमिली के साथ, या आपका जो पारिवारिक रिश्ता है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि आप फैमिली की तरफ से बहुत फुलफिल्ड, बहुत सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। तो आप फैमिली के लिए अगर कोई एफर्ट ले रहे हैं, या फैमिली के लिए कुछ सोच रहे हैं, या फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं आप, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको फायदा होगा, इसीलिए आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप नेचुरली फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट, लव, कंफर्ट, और ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होगा आपकी फैमिली की तरफ से, और अगर कोई फैमिली इश्यूज भी थे तो वो ठीक हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो हो सकता है आपके रोमांटिक पार्टनर हैं,
ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हैं तो वो आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो आप व्यूअर्स अगर इस हैप्पीनेस को, इस सेटिस्फैक्शन को चाहते थे अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल आपको वो मिलने वाला है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं वो भी आपको फैमिली हैप्पीनेस से ब्लेस कर रहे हैं, कि अगर आप फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, खुद का परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप एक हैप्पी फैमिली आपकी होगी इन फ्यूचर ऑल्सो, अगर आप सोच रहे हैं आगे शादी करके घर बसाने के बारे में, तो एक हैप्पी फैमिली से ब्लेस हैं आप। और आपकी जो करेंटली जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी फैमिली में हैं, जो भी आपका परिवार है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा और उनके साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि पारिवारिक रूप से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, और किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप एफर्ट ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपने रिसेंटली डिसाइड किया है, कुछ दिन पहले डिसाइड किया है, कुछ वक्त पहले डिसाइड किया है, तो उस डायरेक्शन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ सोच का भी कार्ड है। ऐसा लगता है कि प्यार में आपको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, ऑलरेडी प्यार में आपको धोखा मिला है, तकलीफ मिली है, आप हर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। बिट्रेयल हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हुई आपको आपकी लव लाइफ में, या किसी ने आपको चीट किया, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स ऐसी ही एनर्जी है। इसी प्रकार से आपके दिल का टूटना होता है जब कोई आपको बिट्रे करता है, कोई आपका दिल तोड़ता है, या किसी और का इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आप लोगों के कनेक्शन में। तो ऐसा लगता है कि आपका दिल टूट चुका है, और उससे आपने एक सीख ली है, उससे आपने एक लेसन लिया है, वो आपकी लाइफ की एक ऐसी टीचिंग या एक ऐसा एक्सपीरियंस बन गया है जिसे आप भूलते नहीं हैं, और उससे हमेशा सीखते हैं कि हुआ आपके साथ अगर ऐसा तो अब उससे आपको क्या सीख मिलती है। तो डिवाइन यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं कि आपका ये जो पेन है ये रिलीज हो जाएगा, यानी कि आप हील हो जाएंगे। आपका जो हार्ट इस समय ब्रोकन है, लाइक थ्री ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपका हार्ट ब्रोकन है, तो वो हील हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो भी पेन था वो रिलीज हो जाएगा, तो हीलिंग आपके हार्ट की, आपकी हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा का जो हीलिंग जरूरी थी वो यहाँ पर इस समय हो जाएगी आपके हार्ट चक्र की। ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज्ड ऑफ थे आप, बहुत डिफेंसिव थे, आगे ना किसी पर भरोसा कर पा रहे थे, ना प्यार पर भरोसा था आपको, इस चीटिंग के बाद आपका भरोसा, आपका विश्वास प्यार से उठ रहा था, या आपका मन हट गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप हील हो जाएंगे और आपका ये जो हार्ट एक है ये भी हील हो जाएगा। तो ये भगवान कृष्ण की वजह से आपकी लव लाइफ मुझे लगता है ट्रैक पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लेस्ड हैं व्यूअर्स। ओके, आप हील हो रहे हैं, जो भी आपको कार्मिक अकाउंट्स की वजह से जो भी फेस करना था, जो भी एक्सपीरियंस आपको करना था, जो भी लेसन्स आपको मिलने थे वो मिल चुके हैं। आगे आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली है, आगे आपकी लाइफ में विक्ट्री है, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है दैट आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि आप शेयर कितना करते हैं। भगवान कृष्ण आपको तो बहुत ब्लेस कर रहे हैं प्यार से, पैसे से, एक कंफर्टेबल लाइफ से, हैप्पीनेस से, बहुत सारी चीज़ों से आपको यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन अब बात इस चीज़ की आती है कि आप कितना ओपन है ये सब शेयर करने के लिए। अगर आपको मिल गया, आप ब्लेस्ड हैं, इफ़ यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, तो आप कितना ज़्यादा शेयर करते हैं उस प्यार को जो आपके पास है, उसे कितना शेयर करते हैं दूसरों से, या आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि दूसरे की भी हेल्प हो सके, किसी और की भी हेल्प करते हैं उससे। यहाँ पर आपका इंटेंशन और आपका आपका इंटेंशन और आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर बहुत कुछ मिल रहा है तो क्या आप उसको लेकर बहुत पॉजिटिव और बहुत मायसर हो रहे हैं, या फिर आप ओपन अप हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए। अगर आपके पास प्यार है बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपको, आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, आपको पार्टनर ऐसा मिल गया, करियर में आप सक्सेसफुल हो गए, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें जिनके पास ये सब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि जितना आपको मिला आपने ताला लगा के बंद करके छुपा के रख लिया अपने पास कि अब ये मेरे को मिला है तो मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मुझको मिला है तो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा उतना ही आपको देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आपको बहुत प्यार मिल रहा है आपकी लाइफ में तो अब आप प्यार मांगना बंद करें, अब आप दूसरों को प्यार देना शुरू करें, क्योंकि जो हमेशा मांगते रहते हैं वो हमेशा लैकिंग में रहते हैं, और जो प्रोवाइडर होते हैं, जो किसी को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, वो कभी लैकिंग में नहीं होते, यानी कमी नहीं होती उनके पास कभी उस चीज़ की। तो अगर आप कुछ भी बांट रहे हैं, लोगों को प्यार बांट रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली या अपनी एडवाइस के थ्रू या कैसे भी, तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि
वो इंटेंशन जो आपका होगा, वो एक्शंस आपके जो होंगे, वो गुड कर्मा जो आपके होंगे, वो आपको और ज्यादा आगे ही बढ़ाएंगे। आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी, और आपकी जो लाइफ है वहां पर आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा जो वर्स है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने गिफ्ट को, जो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी रहना है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना, लालची नहीं बनना है कि नहीं ये तो मेरा है मेरा है, अगर डिवाइन ने दिया है तो मुझे दिया है, आप क्यों मांग रहे हैं मुझसे, ये इस तरीके का पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको हेल्पफुल रहना है। ओके, आपको जो भी मिल रहा है उसको आपको देने के लिए तैयार भी रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बाकी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सब कुछ अचीव करते जाते हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पोजेशन को लेकर आप ज्यादा कंसर्न ना हो जाए, ज्यादा सीरियस ना हो जाए कि मेरा है मेरा है, मैं ज्यादा मैं के अंदर ना चले जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस जो हमेशा प्रोवाइड करता है, जो हमेशा देता है, वो कभी लैकिंग की या कमी नहीं होती उसके पास, कोई कभी लैकिंग की एनर्जी में नहीं आता। तो चाहे वो रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी को कोई एडवाइस दे रहा है, कोई किसी को कोई प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, किसी को कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, इफ यू आर द प्रोवाइडर, आपके पास कभी कमी नहीं होगी उस चीज की। लेकिन अगर आप मांगते रहेंगे ऐसे करके, तो फिर हमेशा आप लैकिंग में ही रहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण आपको सही तरीके से ये बात आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप फैक्ट समझ लें और डिफ्रेंशिएट कर लें कि क्या करना है आपको। ठीक है, मैं आगे ये कार्ड्स जो है इनको और क्लैरिफाई करती हूँ। आप सही रास्ते पर हैं, ओवरऑल मुझे लगता है म्यूजिक आपको बहुत पसंद होगा, म्यूजिक आपकी हीलिंग में भी हेल्प कर सकता है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि किस टाइप का म्यूजिक सुनना है आपको। व्यूअर्स देखिए, आप भजन सुन रहे हैं या सब्लिमल्स सुन रहे हैं, कोई रिलैक्सिंग कोई सॉन्ग सुन रहे हैं रिलैक्सिंग कोई, या ऐसा हो सकता है कि कोई मेलेडियस सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी आप सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं लिरिक्स की बात कर रही हूँ कि लिरिक्स कैसे होने चाहिए। म्यूजिक सॉफ्ट हो, आपको हील करता हो, आपको वाइब्रेंट कर देता हो, ऐसा म्यूजिक सुने। लेकिन लिरिक्स के बारे में मुझे नहीं पता कि लिरिक्स भजन के होने चाहिए, लिरिक्स किसी फिल्मी गानों के होने चाहिए, या लिरिक्स ऐसे या वैसे होने चाहिए। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन ऐसा म्यूजिक होना चाहिए, वो जो भी लिरिक्स हैं उनका म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हार्ट को हील करे, आपको रिलैक्स करे। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स कार्ड है अनलीश द वाइल्ड विद इन। व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आप हमेशा से बहुत कुछ करने के लिए सक्षम थे, लेकिन आप बहुत लेट पहचान पाए अपनी इन खूबियों को, या कह लीजिए कि सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से आपने दूसरों पर ज्यादा ध्यान दिया, या दूसरों से आपको डर लगता रहा, इसीलिए शायद आपने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं, आपकी खुद की क्वालिटीज जो हैं उनको नहीं पहचाना। तो आपके अंदर व्यूअर्स वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ओके, आप बहुत ही डरे हुए, अंडर एस्टिमेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन बन के अगर अब तक रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जेन्युइनली इन रियलिटी आप बहुत पावरफुल हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी दूसरी साइड को बाहर लाना होगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ओके, आपको यही गाइडेंस मिल रही है भगवान कृष्ण से कि आपको अपनी दूसरी साइड को भी बाहर लाना चाहिए, सिर्फ कमजोर, वल्नरेबल, वीक, चुप चुप, ऐसा ऐसा कंटिन्यू मत रखिए, क्योंकि आप केपेबल हैं कुछ और करने के भी। ओके, तो यहाँ पर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर मिल रही है, एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि आपकी जानवरों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई होगी, अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, यानी कि डॉग्स आपके पास अपने आप आ जाते होंगे, चाहे स्ट्रीट डॉग्स हो या यूजुअली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो ऐसे स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करते हैं, लेकिन आपको देख के कुछ नहीं कहते होंगे, या बाकी और भी एनिमल्स हैं आपके साथ, थोड़ा इन ज़्यादा आपके साथ आपको डर नहीं लगता होगा एनिमल्स से, आप काफ़ी कंफर्टेबल हो गए होंगे, एनिमल्स भी आपके साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो आप हर जीव के साथ इंक्लूसिवनेस में आ गए हैं। यहां पर ऐसा भी दिखता है व्यूअर्स कि एनिमल्स जब भी आपको दिखते हैं, आपके आसपास आते हैं, या आपके कनेक्शन में ज्यादा आते हैं, तो वो आपको कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी आप एनिमल्स के आसपास होंगे, या वहां पर जानवर ज्यादा होंगे उस तरफ, तो हमेशा आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करेगी, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि एनिमल्स का आपकी लाइफ में काफी प्रभाव पड़ता है, लाइक एनर्जेटिकली जब आपके आसपास जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं,
चाहे वो फिर कोई भी एनिमल्स हो, पेट है या स्ट्रीट एनिमल्स हैं या कोई भी हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग वर्क करने लगती है अगर आपके पास आसपास एनिमल्स होते हैं। अगर कैट आपके आसपास है देन इट्स फैंटास्टिक। ओके, तो आपकी इंट्यूशन काफी अच्छे से वर्क करती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की जरूर सुननी है। यहाँ पर आपको ये भी गाइड किया जा रहा है, आपका एक दूसरा रूप है जिसको आप छुपा के बैठे हैं, लाइक लायनस वाला रूप, लायनस कह रही हूँ लेकिन एक टाइगर लायन, एक स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट एंड द पर्सन हु कैन लीड, वो बात है आप में। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अपना दूसरा रूप बाहर निकाल कर लाना है। यस, ऑटम रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके व्यूअर्स, देखिए ये जो भी आपको ट्रॉमा हुआ है, जिस भी तरह से आपका दिल टूटा, बिट्रेयल, चीटिंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसको रिलीज कर दीजिए और रेस्ट कीजिए। यानी कि आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, आपको बहुत टेंशन लेने की, बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की, इरिटेटेड होने की, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको रेस्ट करना है। अगर आप ओल्ड को रिलीज कर देंगे तो आपका माइंड खाली हो जाएगा, फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। बस यह है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, फेक सिनारियोज अपने दिमाग में ना बनाएं, इमेजिनेशन ऐसी ना करें जो आपके लिए ही नेगेटिव हो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये सब इमेजिन ना करें। तो यहाँ पर आपको ओल्ड को रिलीज करना है और रेस्ट करना है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना है, बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं करना है अपनी सोल को, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं करना है अपने आप को, रिलैक्स रखना है। ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। व्यूअर्स, यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप सही हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन ये बात दूसरों को प्रूव करने के लिए लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत आ जाइएगा। जैसे आपको पता है आप सही हैं और आपके सामने वाला पर्सन वो गलत बात कर रहा है, तो आप अपने आप को सही प्रूव करने के लिए इस हद तक मत चले जाइएगा कि आप दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो जाए या आप दोनों के बीच की जो शांति है वो खराब हो जाए। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत आना, चाहे आपको पता है आप सही हैं, आप जानते हैं दूसरे वाले व्यक्ति की बात ठीक नहीं है, फिर भी पीस मेंटेन करने के लिए आप वहां पर ये सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं इनको प्रूव करूं सब कुछ, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है क्या करना है और मुझे पता है किस नजरिए से देखना है इस सिचुएशन को, तो जरूरी नहीं है कि मैं इनको प्रूव करूं, मैं इनको प्रूव नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो शांति भी मेंटेन रहेगी और जो मुझे लगता है वो तो मैं मानूंगी ही या मानूंगा ही, मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए शांति मेंटेन करने के लिए, रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए आप दूसरों को सही मत साबित, दूसरों को प्रूव ना करें कि आप कितने सही हैं या आपकी बात कितनी सही है, आपके पॉइंट्स कितने वैलिड हैं, अपने तक रखें और अपने ऊपर ही अप्लाई करें। क्योंकि अगर दूसरे समझ सकते हैं तो आप उन्हें पोलाइटली समझा देंगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे हैं और आप अग्रेसिव हो गए, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ गए उनके संग, देन अगेन फिर आपका कोई फायदा नहीं हुआ अपने आप को सही साबित करने का, क्योंकि फिर एक 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 कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई किसी के साथ, तो वो फायदे की बात नहीं है। ओके, वो घाटे का सौदा है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, लेकिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये आपको गाइड किया गया है। आपकी जो रियल सेल्फ है उसे बाहर लाइए, आप एक टाइगर की तरह स्ट्रांग हैं, उसकी तरह ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप हमेशा दबे हुए, सप्रेस ऐसे नहीं रह सकते हैं। ओके, आपकी एक दूसरी साइड है और जो भी आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जिस भी चीज से आप ब्लेस्ड होने वाले हैं, उसको शेयर करने से कभी कतराइएगा मत। बी फ्रेंडली विद एनिमल्स। ओके, और यहाँ पर आप अपने पास्ट के पेन को रिलीज कर दीजिए, और रिलीज करने के बाद ये नहीं कि रिलीज कर दिया मुझे ये करना है नेक्स्ट, थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए, यू नीड सम टाइम। ओके, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, और शांति मेंटेन करने के लिए, सबके बीच में हार्मनी और शांति मेंटेन करने के लिए ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो यू आर राइट, इट्स गुड फॉर यू, डोंट फोर्स इट एंड इम्पोज इट ऑन एनीवन एल्स। ओके, तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूं। ओके व्यूअर्स, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, कितना इसने आपको गाइड किया है इस रीडिंग ने। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।